हाय एवरीवन वेलकम टू सी क्लासेस स्वागत है आप सबका टू मिनट सीरीज़ में आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रिलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कोलार लीफ नोस्ट पैट उसके बारे में डिस्कस करेंगे अब अगर हम कोलार लीफ नोस्ट पैट की बात करें तो सबसे पहली खासियत डैट इट इज़ एंडेमिक टू तो इंडिया ये सिर्फ इंडिया में मिलता है इंडिया में भी कहाँ कोलार डिस्ट्रिक्ट जो कि कहाँ में है कर्नाटका में कोलार डिस्ट्रिक्ट इज़ ऑल्सो नोन फॉर कोलार गोल्ड फील्ड्स आपने सुना ही होगा तो वहाँ पे एक केव है जिसमें डेढ़ सौ से दो सौ नंबर के कोलार लीफ नोस्ट बैट्स हैं अब ये इसलिए कंसर्निंग है क्योंकि इतने कम यू नो स्पीशीज़ इतना कम नंबर है इस स्पीशीज़ का सो इट वॉरेंट्स कॉन्जर्वेशन और इसकी कॉन्जर्वेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय द कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन इन न्यूज़ तो हम इसके बारे में जो भी और डिटेल्स है जो इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रल्स उनके बारे में देखेंगे ठीक है सो सबसे पहले जो ये कोलार लीफ नोस्ट बैट है ना इसको हम लीफ लेटड लीफ नोस्ट बैट भी कहते हैं अब लीफ नोज लीफ नोज जो नाम है या इनको हम नोज लीव्स कहते हैं ये जो है ये बेसिकली बैट को हेल्प करती हैं इन इको लोकेशन और वी ऑल नो कि जो बैट्स हैं वो आ, कुछ कॉल्स एमिट आउट करते हैं और फिर उसके बाद uh, जब वो रिफ़्लेक्ट होती हैं तो उससे उनको उस चीज़ के बारे में पता चलता है दे आर एबल टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दे आर एबल टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स कुड बी फ्रूट्स और इंसेक्ट्स जो भी उस जिन पे भी वो फीड करना चाहते हैं या वैसे मूव अराउंड तो इस इको लोकेशन को ना बायोसोनार भी कहा जाता है ठीक है इसको बायोसोनार भी कहा जाता है सो ये जो नोज लीव्स हैं ये बेसिकली एक तरह से बैट्स को हेल्प करती हैं इन इकोलोकेशन लोकेशन और भी ज़्यादा एडवांस करने में ठीक है सो ये खासियत है कोलार लीव नोस्ट पैट्स की अब कैलिफोर्नियन लीव नो नोस्ट पैट्स भी होते हैं जो लेट्स से कैलिफोर्निया में मिलते होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं अब कोलार लीव नोस्ट बैट की अगर हम बात करें तो ये जो है ये एंडेमिक है इंडिया में एंडेमिक है इंडिया में इंडिया में भी कहाँ कोलार डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका में एक केव है हनुमा हनुमाना हली विलेज इन कोलार डिस्ट्रिक्ट सिर्फ वहीं पे ये मिलते हैं एक ही केव में नंबर लेस देन 200 है अप्रॉक्सीमेटली डेढ़ सौ से 200 के बीच में माना जाता है कि इनका नंबर है और दूसरी बात ना बहुत ही कम रिसर्च हुई है बैट्स पे जैसे कि आपको पता है कि बैट्स Uh, के ऊपर रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल ही कम हुई है अभी थोड़ा सा इनके ऊपर रिसर्च होनी ज़्यादा हुई है बिकॉज दे आर कंसिडर टू बी द रिजर्वयर ऑफ रेवर एंड यू नो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस है ना दे आर रिजर्वायर ऑफ वायरसेज जैसे हमने देखा नीपा वायरस uh, जो कि फ्लाइंग फॉक्स विच इज़ अ फ्रूट बैट उससे औरिजिनेट uh, हुआ था एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम बैट टू ह्यूमन एक रेयर चीज़ थी जो हुई थी इवन करोना वायरस का भी जो जेनेसिस ऐसा माना जाता है बैट्स हुआ है लेकिन उसमें कुछ कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है लेकिन जैसे फ्लाइंग फॉक्स है जो कि लीस्ट कंसर्न है एन उस पे आईयूसी भी काफी रिसर्च हो रही है सो ये है वायरसेस के लेकिन इनपे काफी कम लेवल पर रिसर्च हुई है तो अब इनकी रिसर्च भी बढ़ रही है और इनकी कॉन्जर्वेशन पे भी बात की जा रही है ठीक है हैबिटेट इट इज़ इन ओनली वन केम इन हनुमा हली इन कोलाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका ठीक है और अगर हम नेचुरल हैबिटेट्स की बात करें ना तो ये आपको सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट और केव्स में मिलता है केव्स ना इसमें एक तरह की स्पेशल टाइप की केव है सब केव्स अब ये भी फ्रिजाइल होते हैं और अंडरस्टडेड हैं अब ये जो केव्स है ना ये इनएक्सेसिबल है क्यों क्योंकि इनकी जो ओपनिंग्स है ना एक तो बहुत नैरो है और अप्सक्योर जगहों पे है मतलब जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता और यहाँ पे जो क्रिएचर्स भी होते हैं जैसे बैट्स बीटल्स रोचेस जो इग्नोर्ड है कॉन्जर्वेशन में ठीक है क्योंकि वो इतने ज़्यादा हैं सो बट दे आर वेरी डेलीकेट एंड वनडरेबल और आजकल बिकॉज ह्यूमन्स का जो नंबर है बढ़ता जा रहा है डिफॉरस्टेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कॉरिंग ऑल ऑफ दैट सो दे कैन डिस्ट्रॉय इंटायर केव्स तो ये जो uh, हम जिस केव की बात कर रहे हैं हनुमा हली कैप इट इज ऑल्सो सब टेरनियन केव ठीक है तो आई थॉक उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए और इनफैक्ट इनमें कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो एंटेमिक है और जो पता लगने से पहले ही दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दीज केव एज वेल जहाँ पे आपको ऐसे क्रिचर्स मिलते हैं फीचर्स की बात करें तो ये जो फैमिली ना हिपोसिडोर इसमें सिर्फ एक ही आ, आपको को लीफ नोस्ट पैड मिलेगा और यहाँ पे ना जो इसके नोस लीफ है वहाँ पे सिर्फ एक पेयर है सप्लीमेंट्री लीफ लेट्स का जबकि जो बाकी लीफ नोस्ट पैड्स होते हैं वहाँ पे दो होते हैं तो ये एक डिस्टिंग फीचर है इसका और नाइनटीन में ना इसको पहली बार डिस्क्राइब किया गया था उसके बाद ये कहीं और नहीं मिला एक्सेप्ट दिस केव राइट आई यू सी एन स्टेटस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑब्वियसली जब नंबर इतना कम है तो आई यू सी एन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही होगा है ना उसमें कोई दो राय नहीं है दूसरी चीज आती है हमारे पास आ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या स्टेटस है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ना इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड अब आप समझ रहे हो इस लेवल का लैक ऑफ कॉन्जर्वेशन है हमारे देश में लैक ऑफ कॉन्जर्वेशन एफर्ट है एज फार एज़ बैट्स इज कंसर्नड क्योंकि बैट्स को ना मोस्टली वर्मिन डिक्लेयर वर्मिन होते हैं ठीक है दे आर कंसिडर टू बी वर्मिन एक्सेप्शन ऑफ कुछ स्पीशीज़ हैं और इसलिए इनको वर्मिन माना जाता है इनको कंजर्व नहीं किया जाता और आई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अभी तक देर आर प्रोटी के इसको लाया जाए इसको प्रोटेक्शन दी जाए लेकिन अभी तक इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड एस ऑफ नाउ राइट आई यू सी एन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडिया में बात करें तो अब जिस केव में ये मिलते हैं दैट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बट हाँ अभी ना सरकार ने बोला है कि अराउंड दी केव्स Uh, जो थर्टी एकर्स एरिया उसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है और वहाँ पे अगर आपको कोई भी डेवलपमेंट वर्क करना है किसी भी तरह का काम करना है कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्र रिलेटेड तो आपको एन की परमिश सॉरी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की परमिशन लेनी पड़ेगी ठीक है उसके अलावा इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस बैट को खतरा है जो कि बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है इन एरियाज़ में दूसरी चीज़ है कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ना बैट कॉन्जर्वेशन इंडिया ट्रस्ट इसी वजह से ये न्यूज़ में था uh, बैड कॉन्जर्वेशन इंडिया ट्रस्ट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बैट्स को कंजर्व करने की बात कर रही है इन द स्पेसिफिक हैबिटाट्स इन स्पेसिफिक एरियाज तो इन दोनों ने मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जो बैड्स हैं उनको सेव किया जाए फ्राम एक्सटिशन एंड इट हैज़ बिन इंट्रस्टेड विद ड्रॉइंग अप ऑफ अ प्लान कि आप एक कॉन्जर्वेशन प्लान बनाओ और उसको उसके लिए ग्रांट भी मिला है जो ग्रांट है ना बेसिकली वो हैबिटाट्स ट्रस्ट से मिला है सो right? so, ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एस फार एस कोलास्ट बैट इज कंसर्न फाइनली एक लास्ट स्लाइड ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ बैट्स। देखो बैट्स आर लीस्ट स्टडीड मैमल्स इन द कंट्री बैट्स को ना बहुत ज़्यादा लाइक आई सेट के अभी बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन है बैट्स के पास जाने में क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कह लीजिए नीपा तो पक्का ही श्योर है कि बैट्स आया है सो so बहुत ज़्यादा अप्रीहेंशन है लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोलॉजी uh, में दे आर पॉलीनेटर्स ठीक है मोस्टली ये फ्रूगी वेरस होते हैं फ्रूट्स पर भी फीड करते हैं इंसेक्टिवरस so the uh, uh, होते हैं इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं तो इन द प्रोसेस दे पॉलीनेटर लॉट ऑफ फ्लास्ट ठीक है दे वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीटर्स इंसेक्ट कंट्रोल क्योंकि इसेक्टिवरस होते हैं इंसेक्ट्स में फीड करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स उस तरह से भी करते हैं और काफी ज्यादा अडेप्टेबल क्रिएचर्स हैं ये बट बिकॉज द कैरियर ऑफ डिजीजेस दे हैव हैड अ बैड इमेज इन द पब्लिक आई बट नन लेस हमें थोड़ा सा अवेयरनेस जनरेट करना चाहिए कि दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इको सिस्टम और अगर हम इनसे दूर रहेंगे सो दे वॉन्ट बी ऑफ एनी हार्म टू अस राइट सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर कोलार लीफ नोज बैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्पीशीज थोड़ा कम आता है न्यूज़ में एक आधा आर्टिकल ही आया होगा सो आई थॉट कि हम इसे टू मिनट सीरीज़ में कवर करें ताकि आप इसे और अच्छे से पढ़ सकें याद कर सकें राइट right? इतना कुछ टेक्निकल नहीं है एक बार पढ़ा होगा तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अटैम्प्ट एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम मोस्टली ना ये आ, हो सकता है कि कोलार लीव नोस्ट बैट पे अलग से क्वेश्चन आए इट कुड बी अ पार्ट ऑफ मल्टीपल ऑप्शन ठीक है आपसे कोलार लीव नोस्ट बैट के बारे में पूछ लिया आपसे किसी और बैट की स्पीशीज के बारे में पूछ लिया तो वो मल्टीपल चॉइस उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एक स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन ना भी आए तो राइट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग